तो आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी हमारा जो सी प्रोग्रामिंग होता है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या क्या उसमें हम लोग यूज़ करते हैं और क्या क्या हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मैंडेटरी क्या होता है। तो हम इस सब चीज़ों को समझेंगे और हमारे सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन सा चीज़ें होना ज़रूरी है और कैसे होना ज़रूरी है, किसको हम कहाँ लिखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, यानी हम लोग अब यहाँ से पढ़ने वाले सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिक चीज़ें थी जो हमारे लिए ज़रूरी था, है ना, टोकन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग, यानी छोटा छोटा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सी प्रोग्राम लिखने से पहले हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हर चीज़ का एक प्रोटोटाइप होता है, हर चीज़ का एक क्या होता है, मॉडल होता है। तो उसी तरह से सी प्रोग्रामिंग लिखने का भी क्या होता है, अपना एक मॉडल है या प्रोटोटाइप है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे वन बाय वन, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें हर पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि क्या 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 पॉइंट होता है और किस लिए होता है, और बाकी चीज़ों को हम लोग अपकमिंग वीडियोज में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी क्या क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें नाम लूँगा, जैसे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले नाम देख लीजिए सबका। अगला होता है लिंक सेक्शन होता है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होता है आपका, डेफिनेशन सेक्शन होता है। क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन। फोर्थ क्या होता है आपका, ग्लोबल वेरिएबल। क्या होता है आपका, ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन, ऐसे ग्लोबलाइजेशन सेक्शन बोलते हैं इसको, या वेरिएबल यूज्ड इन मोर देन वन, सब यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद जो फिफ्थ है आपका, वो मेन फंक्शन आता है। अब मेन फंक्शन क्या है मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में, सिंपल आप नाम देखिए अभी। और अगला है सिक्स नंबर, वो क्या है, सब प्रोग्राम्स, या उसको फंक्शंस भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, फंक्शंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे प्रोग्राम के लिए जरूरी है। अब हम वन बाय वन देखेंगे हम लोग कि कौन सा क्या होता है। अब सबसे पहला देखिए, आप सबसे पहला देखिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। देखिए डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली अब नाम से ही पता चला, डॉक्यूमेंट है ना, मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका इंट्रो देते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, इसके थ्रू करने वाले हैं। अक्सर हम लोग यूज, आप देखते होंगे कोई मूवी देखते हो तो कमेंट्री आप देखते हैं ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसमें आप देखते हैं कि ये बताया जाता है कि ये कोई काल्पनिक से, मतलब इसका कहानी का कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, इस तरह का आप देखते हैं। तो वैसे ही सिंपल ये हो गया, और उसमें क्या कहानी है नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ भी क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है कि हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो उसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, हम लोग कहाँ लिखते हैं उसको, इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मतलब इसमें बताएंगे कि हम एक्चुअली प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं और हमारा गोल क्या है प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग कमेंट के थ्रू वहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका लिंक सेक्शन, लिंक। अब लिंक क्या होता है समझिए, लिंक जैसा कि आप जानते हैं किसी चीज़ को ओपन करने पर कहीं और किसी को भी ओपन हो जाता है, से हाइपरलिंक होता है आपका। तो यहां भी क्या है, लिंक सेक्शन है। देखिए तो इस प्रोग्राम को गौर से देखिए आप, है ना, इसमें मैंने ये हैश यूज किया है, वॉइड फंक्शन यूज किया। अब वन बाय वन देखिए कि कौन सा पार्ट है। तो देखिए लिंक सेक्शन जो यहां पर है, ये हमारा क्या है, लिंक सेक्शन है। लिंक, लिंक मतलब क्या होता है, देखिए अब देखिए अक्सर जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्री प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। अब समझिए क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस को लिखते हैं, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करता है। बिल्ट इन मतलब क्या होता है, जो हमें सी प्रोग्रामिंग के जो डेवलपर हैं वो पहले से बना के दिए हैं और उसे हमें क्या करना होता है, केवल यूज़ करना होता है। लेकिन आप बताइए कि किसी भी चीज़ को कोई बना के दिया हुआ है तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होगा, अपना एक सिस्टम बना होगा, उसका अपना एक कोड होगा उसका, और हम लोग उसको क्या करते, डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो अपने प्रोग्राम में बताने के लिए जब कंपाइलेशन करेंगे तो कंपाइलर जो आपका मेन रोल प्ले करता है वही सबको चेक करता है, उसको बताने के लिए कि हमने जो यूज़ किया है उसका इंट्रोडक्शन कहीं और रखा हुआ है। जैसे देखिए लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लाइब्रेरी में क्या होता है, आप जाते हो, जैसे लाइब्रेरी काउंटर पर जाते हो, लाइब्रेरियन से मिलते हो, बोलते हो मैं मुझे बुक लेना है साइंस का, तो आपको क्या बताता है कि ठीक है आप उस सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर साइंस का बुक मिलेगा, रेफरेंस देता है ना आपको। तो क्योंकि उस बुक का जो डिटेल वहाँ पे रखा हुआ, वो बुक रखा हुआ, उसको पता है कि बस ये चीज़ वहाँ से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। तो वैसे ही जैसे कुछ फंक्शंस, जैसे आपका CLR SCR हो गया आपका, कुछ प्रिंटर फंक्शंस हो गया आपका, है ना, इस तरह से कुछ और फंक्शंस होंगे जो हम लोग स्कैनफ यूज़ करेंगे। तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, उसका जो बेसिक कह सकते हैं उसको जो डिटेल होता है, वो कहाँ रखा होता है, ये हेडर फाइल के अंदर रखा होता है। कहाँ रखा होता है, हेडर फाइल के अंदर,
ये हेडर फाइल क्या होता है उसको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, यानी जिसके अंदर में जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उसका डिटेल रखा होता है ना। अब डिटेल में रखा हुआ तो उसको हम यदि अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे यदि उस फंक्शंस को, तो उसको हमें उस प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो अटैचिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिंक सेक्शन यूज़ करते हैं। उसको कैसे यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड के थ्रू यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड। अब ध्यान से देखिए, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसिव। क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसिव, ध्यान रखना है आपको। क्या होता है, प्री प्रोसेसिव किसको बोलते हैं, जब भी आप हैश इंक्लूड देखिए, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। और ये क्यों यूज होता है, हेडर फाइल को लिंक करने के लिए प्रोग्राम से। हेडर फाइल में क्या होता है, हम जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं उसका उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। वो कैसे काम करता है उसका डिटेल वहाँ पे रखा होता है, बस हमें यूज करने से मतलब है। लेकिन कंपाइलर को बताना पड़ेगा ना कि हम ये जो यूज़ करें वो इससे बिलोंग करता है, तभी तो वहाँ से उसका डिटेल निकालेगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं या हेडर फाइल के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर जैसे मान लीजिए आपका CLRS हो गया तो कोनियो के अंदर आता है, प्रिंटअप हो गया स्टूडियो के अंदर आता है, तो इसका डिटेल वहाँ से उसको मिल जाएगा। तो हम केवल यूज़ करना चाहते हैं, या सिंपल देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए एक और, कि मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं और वो आपके पिताजी को जानता है, फादर को जानता है, ठीक है। आपके पापा ने बोला कि जाओ उसके पास जाओ, मेरा नाम बोलना, वो तुम्हारा काम कर देगा, ठीक है। तो वैसे ही कि हम प्रिंटअप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका जो डिटेल है क्या है, किसके पास है, इस हेडर फाइल के पास है। तो आखिर जैसे आप पापा का नाम बोलते हैं मैं उनका लड़का हूँ, तो वैसे ही हमको उसका नाम बताना पड़ेगा ना, जहाँ पे वो रखा हुआ है, जिसका जो इन्फॉर्मेशन उसका रखता है। तो इसी के लिए उसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं, या उसको बोलते हैं लिंक सेक्शन बोलते हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम से वो लिंक हो जाए और जो भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं उसका डिटेल वहाँ से वो एक्सेस कर ले। थर्ड पॉइंट देखिए क्या होता है, आपका डेफिनेशन सेक्शन होता है। डेफिनेशन क्या होता है, कि हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस बनाने वाले होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करने वाले होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन यूज़ करने वाले होते हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करें, डेफिनेशन सेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको डिक्लेरेशन के लिए कि हम ये यूज़ करने वाले हैं, इसका आगे ये यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगला देखिए क्या है, ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं, जैसे आप जानते हैं पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है। जैसे आप देखिए कि मतलब इस तरह का कोई ऐसा वैल्यू हो, ऐसा वेरिएबल हो जिसको कि पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो उस ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बाद यानी डिफिनेशन सॉरी ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे इंट ए लिखा हुआ, देख सकते हैं आप क्या है, इंट ए लिखा हुआ है। अब इंट ए क्या है, यानी ये जो ए वेरिएबल है उसको हम किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब क्या, वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप पूछेगा कि मेन फंक्शन ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक्चुअली हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम को रन करते हैं, तो एक्चुअली में जो भी काम करता है मैनेजमेंट वाला काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जब भी हम कुछ कंप्यूटर को देते हैं तो सबसे पहले हैंड ऑफर कौन लेता है, उसको लेता है कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको वो देखता है कि इसका क्या पर्पस है, यानी हमने कंपाइल करने के लिए यूज़ करने के लिए दिया, तो वो सबसे पहले किसको बोलता है, कंपाइलर को बुलाता है, बोलता है जाओ इस प्रोग्राम को तुम रन करो। अब देखिए कंपाइलर में देखता है कि बहुत सारा कोड है इसमें, लेकिन उससे पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, उसे क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, जहाँ से वो प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करेगा। तो वो जो पॉइंट है आपका क्या है, मेन फंक्शन है। यानी कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखेंगे और जो कंपाइलर उसको रन करेगा या कंपाइल करेगा उसको, तो उसके लिए क्या करेगा, वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है और वहीं से क्या करता है, वो प्रोग्रामिंग को यानी एग्जीक्यूशन क्या करता है, वो स्टार्ट करता है, कंपाइलेशन स्टार्ट करता है। तो इसलिए हमारा क्या है, मेन फंक्शन क्या है आपका, ज़रूरी है, और सबसे पहले कंपाइलर इसी को पहचानता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला देखिए क्या है, सब प्रोग्राम या सेक्शन, इसमें क्या होता है, मैंने बताया था यहाँ पे डेफिनेशन या डिक्लेरेशन इसको भी बोलते हैं, कि हम कोई फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, हमको एडवांस में बताना पड़ता है। जैसे देखिए आप सिंपल सी बात बताइए कि आपके घर में कोई प्रोग्राम है आपके घर में, तो आप क्या करते हैं, मतलब पहले आपको देते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि इतने तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, आप मेरे घर पे आइएगा, ठीक है, यानी आप एडवांस में उन्हें बताते हैं। उसी तरह से प्रोग्राम में क्या होता है, हम कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करने वाले, प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब
कि अब सॉरी प्री डिफाइंड नहीं, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, मतलब हम अपने हिसाब से कुछ फंक्शन बनाते हैं और उसको यूज करने वाले होते हैं। तो एडवांस में हम क्या करते हैं, किसको बताते हैं, कंपाइलर को, कि देखो हमने यहाँ पे एक फंक्शन ऊपर में लिखा था उसको हम नीचे यूज करने वाले हैं या उसको बनाने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन पार्ट हुआ, या इसको हम डिक्लेरेशन पार्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको सेक्शन को लिखते हैं, उसके बॉडी को लिखते हैं, क्या करते हैं उसके बॉडी को लिखते हैं। तो ये पार्ट इतना सारा आपका क्या है, पार्ट होता है किसमें, सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में होता है, इतना सारा पार्ट होता है और जो कि आपने देखा यहाँ पे। लेकिन अब आप पूछिएगा, क्या सर ये प्रोग्राम पूरा जितने भी पार्ट मैंने डिस्कस किया, क्या ये प्रोग्राम में जरूरी है, हर एक चीज़ जरूरी है? तो मैं बताऊँगा नहीं, ये इतने सारी चीज़ हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंडेटरी पार्ट है। क्या है मैंडेटरी पार्ट? अब पूछिएगा वो कौन सा पार्ट है जो जरूरी है, मैंने बताया था शुरू में ही कि मेन फंक्शन, हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना आपका क्या जरूरी है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मैंडेटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैंडेटरी। क्या बोलेंगे इसको? मैंडेटरी बोलेंगे। और पूछिएगा सर और कौन सा मैंडेटरी पार्ट है, तो आपका जो लिंक सेक्शन है, लिंक, ये भी क्या है आपका मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। यानी ये दो चीज क्या है आपका मैंडेटरी है, इसके अलावा जो भी चीज मैंने लिखा वो प्रोग्राम में जरूरत के हिसाब से हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें क्या है आपका जरूरी है। यानी किसी भी प्रोग्राम को, छोटे से छोटे प्रोग्राम को भी आप लिखना चाहेंगे तो आपके लिए एक लिंक सेक्शन यूज़ करना जरूरी होगा, और एक क्या यूज़ करना, मेन फंक्शन यूज़ करना जरूरी होगा। मेन फंक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले किसे ढूंढता है, मेन फंक्शन को ढूंढता है, और वहाँ से क्या करता है, वो काम करना स्टार्ट करता है, वहाँ से चेक करना स्टार्ट करता है, वहाँ से एक्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए क्या है हमारे लिए ये मेन फंक्शन क्या है, दो चीज़ें जरूरी है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम था, इसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो अगले प्रोग्राम से हम लोग जो है कुछ चीज़ों को समझेंगे जो हमारे प्रोग्राम के लिए जरूरी है, जैसे कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलेशन क्या होता है, लिंकिंग क्या होता है। जैसे मैंने लिंक यूज़ किया है ना यहाँ पे, लिंक सेक्शन, तो इसमें ये जो लिंक करने वाला काम एक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। तो उसके बारे में हम समझेंगे, लिंकर क्या होता है, लिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, फिर हम देखेंगे एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं प्रोग्राम को, और उसके अलावा कुछ और भी बहुत सारी चीज़ों को, हम छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग समझेंगे प्रोग्राम में। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है ना, उसमें हम लोग देखा कि क्या क्या चीज़ हमारे प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है और क्या क्या हमारे प्रोग्राम में होना चाहिए, होता है, ठीक है। तो अब हम उसमें कुछ, जब प्रोग्राम हम लोग लिख लेंगे तो उसके कुछ प्रोसीजर हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उससे आउटपुट पाने के लिए। तो वो कुछ स्टेप्स जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि पहला है आपका, उसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि कंपाइलेशन हो गया, लिंकिंग हो गया, ये सब चीज़ें। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि क्या प्रोसीजर होता है और कैसे हम एक प्रोग्राम लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट कैसे गेन करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें से पहला स्टेप जो आपका है वो है क्रिएटिंग द प्रोग्राम। जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को हमने देखा कि उसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं और क्रिएट करते हैं। तो ये पहला स्टेप था। सेकंड क्या है आपका, कंपाइलिंग द प्रोग्राम। यानी जब हम प्रोग्राम लिख लिए तो आप पूछेंगे कंपाइलेशन क्या होता है। मैंने बताया था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि कंपाइलेशन क्या करता है। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या होता है आपका, हाई लेवल प्रोग्राम होता है। क्या होता है? हाई लेवल प्रोग्राम होता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में। और आपको पता है कि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर जो समझता है वो आपको मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0-1 के फॉर्म में समझता है। तो कंपाइलर क्या करता है, उसी हाई लेवल प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लेवल कोड में क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन साथ साथ और भी कुछ काम करता है, वो क्या है, कुछ चेक भी करता है वो। जैसा कि मैंने बताया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, अपना एक ग्रामर होता है, अपना एक रूल्स होता है। तो यहाँ भी क्या है, सिंटैक्स होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ग्रामेटिकली चेक करना सही है या नहीं, या सिंटैक्सिकली सही है या नहीं, ये काम कौन करता है आपका, कंपाइलर करता है। तो कंपाइलर ये भी काम करता है, पहले तो चेक करता है कि क्या सही है या नहीं, कि आपने अकॉर्डिंग टू द रूल आपने प्रोग्राम लिखा है या नहीं लिखा है, आपने सही सिंटैक्स यूज़ किया है या नहीं किया है। तो ये कौन चेक करता है, कंपाइलर। उसके बाद यदि सब कुछ सही होता है तो वो क्या करता है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यदि प्रॉब्लम होता है तो हमें बताता है कि नहीं, आपके प्रोग्राम में ये चीज़ एरर है या ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। तो ये था हमारा कंपाइलिंग। अब अगला क्या है, लिंकिंग। लिंकिंग क्या होता है, देखिए जब हम लोग ने कंपाइल कर लिया, और मैंने बताया था आपको कि हम अपने फंक्शंस में, हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे प्रिंटअप हो गया, स्कैनअप हो गया, CLR SCR हो गया, और बहुत सारे फंक्शंस, पावर फंक्शन यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, ये सब जो है फंक्शंस पहले से आपको दिया गया है,
क्या दिया गया, पहले से, बस आपको यूज करना है। लेकिन मैंने बताया कि जब भी कोई चीज हम पहले से दिया हुआ चीज यूज करेंगे तो उसके लिए उसका जहां पे वो, जहां से वो बिलोंग करता है, जिस हेडर फाइल से वो बिलोंग करता है, उसको हम, हमें क्या करता है, अपने प्रोग्राम से लिंक करना होता है। तो लिंक करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, लिंकर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लिंकर। और उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, और तब जो है उसको लिंकिंग वाला पार्ट कौन करता है, ये लिंकर करता है। जो क्या है, अब जैसा कि मैंने बताया कि लिंकिंग द प्रोग्राम विद द फंक्शन दैट आर नीडेड फ्रॉम द लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ लिंकर। यानी सिंपल सी बात है कि हमने प्रोग्राम में जो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसको, उसके क्या कहते हैं, बॉडी को या उसके कोड को लिंक करने के लिए प्रोग्राम से हम क्या करते हैं, ये लिंकर का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सक्यूशन। जब हम प्रोग्राम लिख चुके होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, उसको हम ग्रामेटिकली कंपाइलेशन कर चुके होते हैं, चेक कर चुके होते हैं और कन्वर्ट भी कर चुके होते हैं किस में, मशीन लेवल कोड में। साथ में हमने जो प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका हाइडर फाइल है उसको भी हम अपने प्रोग्राम से लिंक कर चुके होते हैं, किसके हेल्प से, लिंकर की हेल्प से। तब लास्ट स्टेप बचता है वो क्या, एग्जीक्यूशन, मतलब फाइनली तो उसको आउटपुट कर, रन करना है उसको किस पे, सीपीयू पे। तो रन करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यानी रन जो करते हैं सीपीयू पे उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन भी क्या है, आपका लास्ट स्टेट है। अब देखिए कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, है ना, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। जो कि कंपाइलेशन के लिए क्या यूज़ होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट प्लस F9 यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, अल्ट प्लस F9। और एग्जीक्यूशन मतलब रन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसको रन भी बोलते हैं, रनिंग। क्या बोलते हैं, रन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस F9 यूज़ करते हैं। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हमने कंपाइलेशन के लिए तो यूज़ किया, एग्जीक्यूशन के लिए भी हमने शॉर्टकट यूज़ किया, तो लिंकिंग के लिए क्यों नहीं किया मैंने। तो मैं बता दूं आपको कि लिंकिंग वाला जो पार्ट होता है वो ऑटोमेटिक होता है, वो आपको नहीं करना होता है। अब जैसे ही कंपाइलेशन करते हो और एग्जीक्यूशन के लिए आप किसको देते हो, सीपीयू को देते हो, तो इसी के बीच में, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के बीच में ये पार्ट कौन सा होता है, ये ऑटोमेटिक अकर होता है। कौन सा, लिंकिंग। वो कौन करता है, लिंकर की हेल्प से हो जाता है। तो इसीलिए हमें अलग से नहीं करना होता है। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया है उसमें, जो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके हेडर फाइल उसको इंक्लूड कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो आपका अटैच हो जाता है आपके प्रोग्राम से, लिंक हो जाता है, इसीलिए ये ऑटोमेटिक पार्ट है। तो हमें ये दोनों करना होता है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं कि कैसे हम सी प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको कैसे हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं और उससे आउटपुट को हम लोग गेन करते हैं। तो ये चीज़ हमारा प्रोसीजर था। तो अगले प्रोग्राम में हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे कि प्रिंटर फंक्शन क्या होता है, स्कैनर फंक्शन क्या होता है। एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको रन करते हैं और कैसे लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला मैंने बताया था कि जो प्रोग्राम रन किया गया था वो क्या था, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। क्या था, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। यानी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम है, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली उसको क्या किया था, सबसे पहला प्रोग्राम माना जाता है। तो उसको अगले वीडियो में हम लोग उसके बारे में देखेंगे और कैसे लिखते हैं।